अपनी बौद्धिक परंपरा के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाने वाला राज्य है। मिथिला का अलग महत्व रहा है। मिथिला और काशी और कश्मीर ये तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत चिंतन हुआ। हृदय के उस द्वार को तुम खोल दो ना, आस के समता विषमता जा। जहाँ की धरती पर संस्कृति की मिठास देखी जा सकती है। जीवन को अंजाम नहीं है पर इसकी पहचान है। मिथिला ने अनेक विद्वजनों को सकारात्मक अवसर दिया है। इसी धरती पर मैथिली साहित्य के इतिहास में प्रगतिशीलता के एक उदाहरण हैं चंद्रनाथ मिश्र अमर। मैथिली साहित्य के एक वरिष्ठ साहित्यकार है जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों बहुआयामी है। प्रेरणा से मैथिली को अनेक विशिष्ट साहित्यकार प्राप्त हुए हैं। अपने मैथिली और हिंदी में 500 से भी अधिक कविताएं, 2 उपन्यास, 100 से अधिक कहानियां, 2 एकांकी संग्रह और कई आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। मुझे खुद आश्चर्य होता है ये कविताएं कैसे लिखी गई, ये पंक्तियां कैसे लिखी। आपके विविध कृतियों के लिए साहित्य अकादमी सहित देश की असंख्य संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया। कर्म और राजनीति, आस्था और अनास्था, सब कुछ तो समाहित है आपकी कविताओं में। इनका जो लेख है वो लगता है जैसे इनको पता है जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के बाद होने वाला क्या है, आज वो लिखते हैं। इनसे सीखने की सबसे बड़ी बात यही है कि अपना कर्म जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहो। बेशक अब नेत्र में वो ज्योति ना हो, उमंग और स्फूर्ति ना हो, लेकिन मन में एक चाह जरूर है कि मैथिली साहित्य की समृद्धि में कोई बाधा ना आए। तो है जटिल संसार का यह मोह बंधन, तो पुनस्ति को भी जब मोह नहीं छोड़ सका तो हम मामूली आदमी मोह से मुक्त कैसे हो सकते। वतन के नाम पे मरना जी को मौत कहते हैं, जहाँ पे मात होकर मौत भी बेमौत मर जाती। तो वतन के नाम पे मरना सिखा दे ऐ खुदा को, कि मरकर जिंदगी पालो और सबक मुझसे जहाँ पाए।